नमस्कार, डेली न्यूज 360.com में आपका स्वागत है। स्टार फुटबॉलर और इंडिया फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया भी इस बार चुनावी मैदान में हैं। यह उनका पहला चुनाव है। वे अपनी पार्टी हमरो सिक्किम पार्टी HSP से लड़ रहे हैं। पार्टी के लिए चंदा जुटाने के खातिर भूटिया ने अपने दो पसंदीदा जर्सियों को नीलाम कर दिया है। इन जर्सियों में से एक वह है जो बाईचुंग भूटिया ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा आयोजित मैच अगेंस्ट पॉवर्टी के दौरान पहनी थी, और दूसरा जर्सी वह है जिसे बाईचुंग भूटिया ने बायर्न म्यूनिख के खिलाफ वर्ष 2012 में अपने फेयरवेल मैच में पहना था। इन जर्सियों पर फुटबॉल के दिग्गजों फ्रांस के जिनेडिन जिडान तथा पुर्तगाल के फिगो जैसे कई खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर बाईचुंग भूटिया ने लिखा, प्रिय फुटबॉल प्रेमियों तथा साथी भारतीयों, हमने सिक्किम में एक राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है। अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों का संकट जैसी बहुत सी समस्याएं हैं। इस लड़ाई में हमें आपका समर्थन चाहिए। इसके बाद उन्होंने ट्विटर पर सारी जानकारी विस्तार से दी और कहा कि चंदा जुटाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहेगी। पिछले साल 31 मार्च को गठित की गई बाईचुंग भूटिया की HSP ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि पार्टी अगले 5 साल में खुशहाल सिक्किम के लिए नीतियों को लागू करने पर काम करेगी। उन्होंने कहा, हमारे पास युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा उन्हें झंडों नारों की राजनीति से दूर रखने के लिए कार्यक्रम हैं। हम चाहते हैं कि सिक्किम के युवा सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जिएं। आपको बता दें कि सिक्किम में इस बार 32 विधानसभा सीटों तथा एकमात्र लोकसभा सीट पर एक साथ पहले ही चरण में 11 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है। चुनाव परिणाम समूचे देश के साथ 23 मई को घोषित किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर देश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुके पवन कुमार चामलिंग ने नामची सिंजिथांग और पुकलॉक कामरंग विधानसभा सीट से सोमवार को पर्चा दाखिल किया। चामलिंग 12 दिसंबर 1994 से सिक्किम की बागडोर संभाले हुए हैं। उन्होंने दक्षिण सिक्किम जिले के मुख्यालय नामची में अपना पर्चा दाखिल किया। चामलिंग अपनी पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट SDF के उम्मीदवार के रूप में आगामी विधानसभा चुनाव में लगातार 6ठे कार्यकाल के लिए नामांकन दाखिल किया। धन्यवाद।